Welcome to Tech with Aaryan, a one place for all technology videos. Don't forget to subscribe our channel. सब्सक्राइब कीजिए टेक विद आर्यन यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ट्यूटोरियल सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर है तो बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारा कोई अपडेट मिस ना कर दें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन, आप सभी देख रहे हैं टेक विद आर्यन और मैं आप सभी का टेक विद आर्यन पे स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हमारे चैनल पे एक मेहमान आए हुए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको टीच मैं नहीं करने वाला हूँ बल्कि मेरे दोस्त मिस्टर राहुल वानिया करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन के बारे में ट्यूटोरियल लेकर आए हैं। गाइस, वीडियो एडिटिंग के बारे में आप सबने सुना ही होगा, बहुत सारी एप्लीकेशन ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन गाइस बहुत सारी एप्लीकेशन एक्सेसिबल भी नहीं होती है। और दोस्तों, मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ब्लाइंड यूजर के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज आई है अभी अभी गूगल से। देखिए दोस्तों, गूगल ने अब एक एक करके जिस भी एप्लीकेशन में एक्सेसिबिलिटी फीचर्स अवेलेबल नहीं है उन सबको नोटिस दिए है कि अगर आपको अपना प्ले स्टोर का अकाउंट स्टार्ट रखना है तो प्लीज अपने एप्लीकेशन में एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाइए, यानी कि एक्सेसिबल बनाइए उस एप्लीकेशन को। तो वो दिन दूर नहीं जब नॉर्मल लोग जिस तरह से एडिटिंग करते हैं उसी तरह से हम लोग भी एडिटिंग कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये गूगल ने काफी अच्छा कदम उठाया है। और अब दोस्तों, हमारे लिए अतिथि देवो भव, तो मैं राहुल जी का मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ कि ये हमारे पहले मेहमान है जो हमारे चैनल पे आ रहे हैं, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद राहुल जी हमारी चैनल पे आने के लिए। थैंक यू आर्यन जी का सबसे पहले, तो क्योंकि आर्यन जी ने ही मुझे इस चैनल पे आने का मौका दिया। मैंने पूरा प्रयास किया है कि मैं कुछ समझा सकूं। आशा करता हूं कि आप इस ट्यूटोरियल को समझ पाएंगे और ज़रूर कुछ न कुछ तो नया सीखेंगे। तो मेरा नाम राहुल है, मैं गुजरात से हूं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब करने के साथ आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ेंगे जो मैंने आप सबकी रिक्वायरमेंट्स के लिए बनाया है, जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ द टेक्नोलॉजी। उसमें जुड़ने के लिए एडमिन के नंबर नीचे दिए जा चुके हैं, आप वहां से हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, हम करेंगे आपको रूल्स एड। होंगे अगर आप एग्री तो कीजिए हमें एग्री वाला मैसेज, हम करेंगे आपको ऐड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ। तो दोस्तों, ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ट्यूटोरियल स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, तो AndroVid Pro बेसिकली वीडियो एडिटर है, उसमें आप हमारे लिए तो दो ही चीज़ें एक्सेसिबल हैं। पहली चीज़ फोटो जोड़ते हुए किसी भी ऑडियो को वीडियो में बदलें, और दूसरी चीज़ वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक लगाएं। दोस्तों बाकी मर्ज ट्रिम बिल्कुल एक्सेसिबल नहीं है, अनलेबल बटन होते फिर भी एक्सेसिबल होते लेकिन नहीं है। हम फटाफट से ओपन करेंगे इसको। एप्स ग्रिड सर्च एंड ड्राइव AndroVid Pro प्ले स्टोर से मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। होम लेटेस्ट वीडियो 1 बटन। अब देखिए दोस्तों, टॉकबैक के लेटेस्ट वर्जन का इस्तेमाल करिए या ओडेक्स का इस्तेमाल करिए, क्योंकि अनलेबल बटन, हालांकि हमें तो कोई काम नहीं है, पहले 4 अनलेबल बटन छोड़ देने हैं। पहला बटन होम लेटेस्ट वीडियो 1, होम लेटेस्ट वीडियो 2, होम लेटेस्ट वीडियो 3, ये तीनों पहले बटन इस चीज़ के लिए है। होम लेटेस्ट वीडियो 2 बटन, होम लेटेस्ट वीडियो 3 बटन। मैं लेफ्ट टू राइट स्वाइप करता हूं। ओवरफ्लो एक्शन इमेज बटन। और ये चौथा बटन ओवरफ्लो एक्शन इमेज अनलेबल है। AndroVid। अब ध्यान दीजिए, लेफ्ट टू राइट स्वाइप क्या बोला AndroVid। अभी एक बार स्वाइप करूंगा प्रो। अभी एक बार स्वाइप करूंगा AndroVid Pro बटन। ये यहां से हम किसी भी वीडियो में
बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हैं। चलिए इस पे डबल टैप किया और लेफ्ट राइट स्वाइप करते हैं। डायनामिक वीडियोस सॉर्ट बाय प्रीव्यू मोर ऑप्शंस बटन। ये मोर ऑप्शन में देखते हैं। सर्च एंड लिस्ट सर्च फोल्डर व्यू फोल्डर व्यू रिफ्रेश ऑप्शंस ऑप्शन। तो फोल्डर व्यू का मतलब ये है हम कुछ नहीं देखेंगे, लेकिन फोल्डर व्यू हमारे का आपको पता है कि आपके वीडियो व्हाट्सएप वीडियो में है, तो आप फोल्डर व्यू सिलेक्ट कीजिए तब फोल्डर आएंगे उसमें से आप वीडियो सिलेक्ट कर सकते हैं। और जहाँ पे ग्रिड बोला था वहाँ पर डबल टैप करेंगे तो सारी आइटम लिस्ट में हो जाएगी, अभी ग्रिड में है। मैं बैक करता हूँ। AndroVid Pro 00351.67B720BM24/2017_12_01_17_19_25 list। मैंने फोल्डर व्यू नहीं किया है, आप नहीं करेंगे तो लेटेस्ट वीडियो जो है वो सबसे पहले आएगी। 35 सेकंड की वीडियो है और देखो MB भी बता दी, रेजोल्यूशन भी बता दिया 780p और वीडियो का नाम भी बता दिया, लेकिन उसके आगे AndroVid बोला। इस पे मैं डबल टिप करता हूँ तो ये एक वीडियो है, ठीक है। तो हमारे वीडियो प्ले हो गया है, अब हमें इस वीडियो पे डबल टिप एंड होल्ड करना है। AndroVid Pro और मैंने डबल टिप एंड होल्ड कर दिया। अब मोर ऑप्शन में जाना है, मोर ऑप्शंस जो कि टॉप लेफ्ट राइट कॉर्नर पे है। ऐड म्यूजिक एंड लिस्ट, पहला ही ऑप्शन है ऐड म्यूजिक, इस पे चलते हैं। ऐड AndroVid Pro ऐड म्यूजिक दो बार फिर से स्वाइप किया तो AndroVid Pro 00351.67B700 वीडियो का नाम वगैरह एक और बार स्वाइप 2017_12 AndroVid Pro बटन और यहां पे AndroVid Pro बोले इस पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ से आपकी ऑडियो लिस्ट खुलेगी। ड्रॉप डाउन लिस्ट एज द लोडेड ऑडियो सर्ट मोर बैक टू द वुड्स डॉट MP3 October 25th 0.97 MB एंड लिस्ट। ये म्यूजिक है दोस्तों, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ ये म्यूजिक पे। हम देखिए इंटरफेस कैसा है, मैं लेफ्ट राइट शेयर करते हुए एंड म्यूजिक AndroVid Pro वही इंटरफेस हमें 00351.6 स्वैप करते हुए जाना है। 27 AndroVid Back to the Woods AndroVid Timeline DL Original Audio Volume और यहाँ पे ओरिजिनल ऑडियो वॉल्यूम आएगा। आप स्वाइप कीजिए 50% सीट कंट्रोल सिक्स स्लाइडर है, यानी कि आपकी जो ओरिजिनल वीडियो है उसकी वॉल्यूम क्या रहे मैंने बढ़ा ली है। 100% म्यूट 50% सीट कंट्रोल म्यूजिक वॉल्यूम उसके बाद म्यूजिक वॉल्यूम 50% सीट कंट्रोल मैंने 30 कर ली 30 बस। अब नेविगेट अप बटन टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे नेविगेट अप बटन में ऐड म्यूजिक दोबारा ऐड म्यूजिक बोले उस पर क्लिक कीजिए। अब इंटरफेस एडिंग म्यूजिक नेविगेट अप और कैंसिल ये तीनों ही बटन है। अभी हमारी प्रक्रिया जारी है, प्रोसेस हो रही है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ओवरव्यू में से कहीं भी नहीं जाना है, स्क्रीन को लॉक नहीं करनी है, होम प्रेस नहीं करना है। आप गूगल असिस्टेंट के माध्यम से कुछ भी कर सकते हैं। कैंसिल बटन ये अनलेबल बटन है कैंसिल का। हमारी प्रक्रिया चल रही है, हमें वेट करना पड़ेगा, ठीक है थोड़ी देर में हो जाएगी हमारी प्रोसेस। तब तक के लिए मैंने 35 सेकंड की ही वीडियो ली है, ये आपको मिलेगी। आपने फाइल मैनेजर में इंटरनल स्टोरेज में DCIM के फोल्डर में AndroVid Pro के अंदर वीडियो के नाम से वहाँ से आप ले सकते हैं। देखते हैं अब सेव हो गई है फ्रेम सक्सेसफुली। अब देखिए इसके बाद AndroVid Pro बटन इस पे क्लिक करेंगे तो प्ले होगी। तो ये एक वीडियो है, ठीक है दोस्तों, ये डेमो है AndroVid Pro का, ट्यूटोरियल चल रहा है, उसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वीडियो में म्यूजिक कैसे ऐड करें। तो इसलिए मैं ये डेमो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो दोस्तों बहुत अच्छी एप्लीकेशन मुझे तो लगी है,
अब मैं इस वीडियो को यहाँ पर रोकता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इतना तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए काफ़ी होता है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों जितना वीडियो था उतनी ही म्यूजिक इन्होंने कर दी, ठीक है, तो वो हमारे लिए एक अच्छी बात है। और क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आया, मैंने बैक किया, वापस से बैक अब AndroVid Pro पहली बार बोला तो ये वीडियो के लिए है, AndroVid Pro अगेन स्वाइप किया तो ये ऑडियो में फोटो लगा के वीडियो के लिए है। इस पर मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे आपकी सारी फोटो आ गई है, लेकिन समस्या है कि फोटो का नाम नहीं बोलता। उसका सॉल्यूशन एक है कि आप अपने फाइल मैनेजर में जाइए, आपको अपनी फोटो जो फोटो रखनी है ऑडियो में उस फोटो पे क्लिक करते हुए वहाँ पे पूछेगा ओपन विथ AndroVid Pro, सिलेक्ट कर लीजिए। AndroVid मैंने एक फोटो ले ली, अब तो राइट कॉर्नर पे मोर ऑप्शन, मोर ऑप एड म्यूजिक, वापस से एड म्यूजिक, AndroVid Pro बटन, वापस से AndroVid Pro पे हमें क्लिक करना होगा ऑडियो सिलेक्ट करने के लिए। शो ड्रॉप डाउन लिस्ट एज डाउनलोडेड ऑडियो, तो यहां से मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू से एज रिकॉर्ड चेंज कर लीजिए, मैं ऑडियो लेता हूं rahul dot g yo at मिल जा म्यूजिक रिकॉर्डिंग के फोल्डर में others, pictures, recordings, 5-7, about my channel, like, demo, drone, demo.mp, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, add music, दूसरे वाले add music पे मैंने क्लिक कर दिया, पहले वाले पे होगा ही नहीं, add music, cancel, same interface, दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना, navigate up button पे प्रेस नहीं करना, आप सिर्फ wait करना है, मैं देखता हूँ कब तक मेरी ऑडियो तैयार होती है। छोटी ऑडियो मैंने added music, cancel button. ली है आपके लिए, तो दोस्तों डिस्टर्बेंस तो होगा ही यहाँ पे थोड़ा सा, तो आप माफ करना। और frame crash, और देखिए more of Andro save successful Andro with, ये प्ले हो रही है वीडियो हमारी, दोस्तों अभी आप फोटो दिखा दे रही है स्क्रीन पे, देखिए मेरे यानी राहुल के द्वारा AndroVid Pro जो कि एक वीडियो एडिटर है उसमें जो हमारे लिए एक्सेसिबल है। दोस्तों क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं वीडियो को बैक करके बंद करता हूँ। Exit करने के लिए यहाँ पे बैक प्रेस करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा। Are you sure you want to exit? No, button. Yes, button. और ये हम आगे बाहर। तो दोस्तों आज का ट्यूटोरियल यहीं तक, दीजिए मुझे अनिया ने आपके दोस्त राहुल को इजाजत, धन्यवाद। क्या बात है राहुल जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन ट्यूटोरियल आपने बनाया हमारे लिए। तो आपने हमारे लिए इतनी मेहनत की, इसलिए मैं आपको थैंक्स के अलावा तो और कुछ कह ही नहीं सकता हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों राहुल जी से इसी तरह से बातें चलती रहेगी, और हाँ राहुल जी हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आते रहेंगे, ठीक है। तो राहुल जी का भी एक यूट्यूब चैनल है दोस्तों, मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गया था। तो दोस्तों राहुल जी का भी एक यूट्यूब चैनल है जिसके साथ आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आप उसके चैनल के साथ भी जुड़ेंगे, ठीक है। तो राहुल जी हमारे चैनल पे आने के लिए एक और बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों राहुल जी की चैनल मेरी चैनल से बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी वो मेरे चैनल पे आए तो ये उनकी एक तरह से महानता ही कही जा सकती है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल के साथ, तब तक इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि सभी को एटलीस्ट पता चले कि यूट्यूब कोलैबोरेट भी कर सकते हैं हम लोग, दो बड़े यूट्यूबर्स साथ में जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट सबको ये पता तो चलना चाहिए ना गाइस कि यूट्यूब में केवल कंपटीशन नहीं होती है, दोस्ती भी कहीं ना कहीं होती है, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर आए हैं आपने, आशा करता हूँ कि आप जुड़ेंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल के साथ, थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।
For any help or questions, call Aaryan at +91972-691-0927. Email address tecwithaaryan@gmail.com. Thanks.